अगली खबर आ रही है अयोध्या से, जहां काकोरी एक्शन कांड के महानायक शहीद अशफाक उल्लाह खान की शहादत दिवस पर 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक काकोरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर स्कूली छात्रों ने रैली निकालकर शहीदों को याद किया। जिला कारागार स्थित शहीद स्मारक से रैली निकाली गई। यह रैली पुष्पराज चौराहा होते हुए सिविल लाइन कचहरी होते हुए उद्यान विभाग स्थित शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने किया। जिलाधिकारी ने बताया कि अयोध्या में 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक काकोरी के शहीदों को याद किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को काकोरी के शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और कैसे उन्होंने अपना बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई है। आज का पूरा कार्यक्रम लोक कलाकारों के माध्यम से किया गया, जिससे शहीदों को जीवंत किया जा सके। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद दिया गया है। दिसंबर से 19 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे युवा, वृद्ध और युवाजन सभी लोग, बच्चे हैं, इस कार्यक्रम के उद्देश्य को समझे, कैसे हमारे शहीदों ने बलिदान देकर स्वतंत्रता संग्राम को प्राप्त किया है, स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, फिर गणतंत्र हमारा देश बना, और इसके जो आदर्श हैं, जो हमारे शहीदों के आदर्श थे, उसको पुनर्स्थापित करना, और हमारे जो संविधान की जो मूल भावना है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, उसको स्थापित करना है। और जो हमारे शहीदों ने जो इतना बलिदान दिया था, उनका उद्देश्य था कि हम जो भारत को एक श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करें और इसमें जो बलिदान के जो आदर्श हैं उसको स्थापित करें, उसको जीवंत बनाए रखें, यही हमारा उद्देश्य है। और पूरा कार्यक्रम लोक संस्कृति के माध्यम से, लोक कला के माध्यम से, लोक कलाकार के माध्यम से हम लोग इसको जीवंत बनाएंगे और सभी पीपल और बच्चे सब पार्टिसिपेट करेंगे और ये कार्यक्रम हमारा जिला कार्यक्रम में चलेगा, उसके जो बाहर के प्रेमिसेस है, तो ये एक बेहतर है। इसमें जन सहभागिता होगी और हम लोग अपने बारे में एक सोचेंगे कि कैसे अपने देश को श्रेष्ठ बना सकते हैं, कैसे जो हमारे आदर्श थे उसको जीवंत बना सकते हैं और उसकी जीवंतता को, सातत्य को बना रख सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। हम लोग जिला कारागार का जो शहीद कैंपस है, उससे हम लोगों ने यहाँ तक निकाली है और इसमें सभी बच्चों ने पूर्ण उत्साह के साथ रैली में सहभागिता किया है और हम लोग चाहेंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे जनपद में, पूरे देश प्रदेश में जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श हैं, जो शहीदों के आदर्श हैं, उसको प्रचारित किया जाए और उसको हम लोग अपने जीवन में सच्चाई के साथ उतारें।